हेलो एवरीवन, हिंदी वॉइस में आपका स्वागत है। मीरा ने नंबर देखा, माँ का फ़ोन था। एक बार होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। ये नंबर उसके लिए कितना खास रहा है, उसके जीवन का संबल रहा है। तभी एक झटका सा महसूस हुआ, कुछ तल्ख यादें कानों में शोर मचाने लगी। गांव का वो सूखा, पिताजी का साया सर से उठ जाना और फिर माँ का सभी दो भाई और एक बहन को लेकर काम की तलाश में दिल्ली शहर आ जाना। दिल्ली शहर जो सबको अपना लेता है, जहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भी है तो छोटी छोटी झुग्गी बस्तियां भी। हाथ पाव बस जरा सा चलते रहे तो सबका पेट भर ही जाता है। माँ ने भी कुछ जान पहचान वालों के पास यमुना पार एक झुग्गी ले ली थी। दीपा चाची के कहने पर शुरू में एक घर मिला, फिर चार छह घर मिल गए। जीवन की गाड़ी घसीटने लगी। मीरा घर में सबसे बड़ी थी, गांव में बस अक्षर पहचानना ही सीख पाई थी। 5 साल की नन्ही उम्र में माँ के साथ काम पर जाने लगी थी। नन्हे हाथों से कभी झाड़ू संभालने की कोशिश करती तो कभी माँ के मांजे हुए बर्तनों को पानी से धोने की कोशिश। परिस्थितियाँ सब सिखा देती है। जीवन की पाठशाला ने 9 साल तक आते आते सब घरेलू कामों में दक्ष कर दिया। अब झाड़ू सरपट दौड़ती तो बर्तन उसकी आकार लेती, रेखाओं की चमक फीकी कर चमक उठते। सब लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। अब वो माँ के साथ नहीं जाती, बल्कि माँ ने उसे और घरों पे काम लगा दिया था। उम्र जैसे जैसे बचपन का भोलापन पार कर किशोरावस्था की ओर सरकने लगी, उसे ढेरों काम मिलने लगे। कहीं सफाई, कहीं बर्तन, कहीं डस्टिंग और कहीं सब्जी काटना से लेकर खाना पकाने के भी काम मिलने लगे। घर आकर भी वो माँ के साथ रसोई व छोटे भाई बहनों की देखभाल में माँ के साथ लगी रहती। घर में 4 पैसों की बरकत हुई तो भाइयों की पढ़ाई के बारे में सोचा गया। उसके लाख कहने के बावजूद स्कूल के नाम पर पार्कों में इधर उधर बैठकर समय काटते भाइयों के साथ पढ़ने की तीव्र इच्छा रखने वाली छोटी को माँ ने स्कूल नहीं भेजा। उस पर बेकार सा तर्क की लड़की है, जमाना खराब है, हम तो काम पर निकल जाते हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। कई बार वो सोचती कि ऊंच नीच क्या उसके साथ काम पर नहीं हो सकती। कितनी बार जब मेम साहब लोग घर में नहीं होती तो पोछा लगाते हुए साहब लोगों की लोलुप लपलपाती जीभ को उसने अपने देह पर महसूस किया था। माँ से कहा भी था तो उनका तर्क यही होता, अभी काम कर रहे हो, जब बात बिगड़ेगी तब देखा जाएगा, वैसे भी हम गरीब, काम नहीं करेंगे तो खाएगी क्या, और वो निरुत्तर हो जाती। माँ कहती है तो सही ही होगा। नन्ही उम्र ये कहा समझ पाई कि माँ की ममता भी उसकी संतानों के लिए अलग अलग हो सकती है। उसने अपने नसीब से समझौता कर लिया था, मेहनत और अपने हाथ पैरों पर भरोसा भी। तब से शादी तक सुबह से लेकर देर शाम तक घर घर सफाई बर्तन करके न जाने कितना कमा कमा कर दिया था माँ को घर खर्च के लिए। कभी खुद के लिए 2 पैसे भी नहीं रखे, कभी कोई शौक जाना ही नहीं था। भाई पढ़ जाए, बहन की अच्छे घर शादी हो जाए, माँ ठीक से रहे, यही उसकी मेहनत का सबसे बड़ा पारिश्रामिक था। हाँ, बड़े घरों से कपड़े लत्ते मिल जाते, कभी कभी कुछ क्रीम और शैम्पू भी, वो उतने में ही खुश थी। फिर माँ भी तो कितना लाड़ करती थी, मेरे घर की लक्ष्मी कहते कहते नहीं अकाती थी। घर में भाइयों के बाद उसकी बात ही चलती, वो इसी पर न्योछावर रहती। उम्र पर जब वसंत लगा तो उसके लिए वर की खोज होने लगी। माँ ने अपनी तरफ से समझ कर सही लड़का देख हाथ पीले कर दिए और वो हाथों में मेहंदी लगा, आंखों में सपने सजा पी के घर चली आई। यमुना पार से सीमापुरी की झुग्गियों में उसका तबादला हो गया। नई शादी का नशा कपूर की तरह उड़ गया, पति दिनेश शराबी निकला, जितना कमाता उड़ा देता, किसी किसी दिन तो घर में खाने को भी नहीं होता। उसने आसपास के घरों में काम करने का फैसला किया। 4 सालों में 2 बच्चे और 4 प्राणियों का पेट भरना उसकी जिम्मेदारी थी। जिंदगी एक बार फिर रेल बन गई, मायके जाना भी कम होता। जब सबके लिए कुछ उपहार लेने लायक पैसे हो जाते तब जाती। माँ खुश हो जाती, ढेरों आशीष देती, भाई बहन आगे पीछे घूमते। उसके स्थान को छोटी बहन ने भर दिया था, अब उसकी जगह उसकी छोटी बहन काम पर लग गई। अब वो घर की लक्ष्मी थी। शराबी के साथ गुजारा आसान नहीं होता, जीवन चूल्हे की हांडी पर चढ़ी दाल सा उबल रहा था। पति गृह में 2 बच्चे और पति की मार के सिवा कुछ भी तो नहीं मिला उसे। घरों का काम तो यहाँ भी करती थी, पर माँ की तरह पति इज्जत नहीं देता था।
अक्सर माँ का घर की लक्ष्मी कहना याद आता। हार तोड़कर कमाए गए महीने के पैसे भी घर के काम न आते, चाहे जितना छुपा के रखो, शराब में उड़ा देता। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कहने पर जवाब में मार मिलती। कभी तो जहाँ काम करती वही छुपा कर रखने को कहती, पर शराबी दिनेश वहां भी जाकर लड़ाई झगड़ा करता, देने ही पड़ते। शीना मैडम उसे कितना प्यार देती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, उन्होंने ही उसे पैसे बैंक में रखने को कहा था। साथ जाकर बड़े मन से अकाउंट खुलवाया। जाने कहां से उसके पति को भनक पड़ गई। शीना मैडम के घर के बाहर ही शराब पीकर चिल्लाने लगा। उन्होंने बीज बचाव किया तो मार कुटाई की नौबत तो नहीं आई, पर बैंक में ले जाकर सारे पैसे निकलवा लिए। उसने ही शीना मैडम को आगे से बैंक में डलवाने के लिए मना कर दिया। क्या फायदा मैडम, भाग्य ही खोटा है, हम तो अपने नसीब को ढो ही रहे हैं। आप मत बीच में पड़िए, मोहल्ले समाज में आपकी इज्जत है, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। शीना मैडम भी चुप रह गई। फिर वही आटे के कनस्तर में या तकियों गद्दों के नीचे छिपाना शुरू किया और फिर वही मारपीट के बाद सारा घर खकोर कर चुरा लेना चलता रहा। वर्ष दर वर्ष बीत रहे थे, भाइयों की शादी हो चुकी थी, बड़ा भाई अपने परिवार के साथ अलग हो चुका था और माँ छोटे बेटे और बहू के साथ जीवन गुजार रही थी। छोटी बहू और बहन भी काम पर जाती थी। छोटे बच्चे की माँ होने के कारण भौजाई को कम ही काम मिलते, छोटी बहन ही कमाऊपूत थी जो घर खर्च और अपने लिए दहेज वही जुटा रही थी। वो सोचती, खुद की चिंता क्या बताना, वैसे भी जीवन भर दूसरों के घरों में माँ ने बर्तन रगड़े है, कम से कम बुढ़ापे में तो सुकून की सांस ले। पर सहने की एक सीमा थी, आज भी उसकी आंखों के आगे दर्द सी खींची रहती है। जनवरी की वो सर्द रात जब पति ने जानवरों की तरह इतना पीटा कि उठने की ताकत भी न रही, बच्चे भूख से व्याकुल तड़प रहे थे, नौबत इलाज की आ गई थी, किसी तरह से भाई को फोन करके ले जाने को कहा। कितना रोई थी माँ उस दिन उसकी हालत देखकर। इलाज के लिए उसने अपनी पायले बेच दी, थोड़ा बहुत पैसा माँ ने भी लगाया था, इस कारण भाइयों की सुनी भी थी, फिर भी वो उसे बचा लेना चाहती थी, इसी से उसको संबल मिला था। और माँ के पास आकर उसने फैसला कर लिया, अब वो यही कमरा किराए पर लेकर रहेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, अपना जीवन खराब हुआ तो क्या बच्चों का जीवन खराब नहीं होने देगी, इतने लड़ाई झगड़े में रहना उनके लिए ठीक नहीं। माँ ने फैसले में साथ दिया। फिर वो बचपन से बहुत हिम्मती थी, जीवन ने उसे मजबूत बना दिया था। जल्दी ही कॉलोनी में दो काम मिल भी गए, पर दो कामों से तो किराया भी नहीं पूरा पड़ता, उम्मीद थी कि जल्दी ही और काम मिल जाएंगे। माँ कभी दो चार पैसे की मदद कर देती, पर भाई तो उसे देखते ही मुंह फेर लेते कि कहीं कुछ मांग न ले। वो स्वाभिमानी मन ही मन हंसती, जिन्हें बचपन से कमा कमा कर खिलाया है उनसे पैसे थोड़े ही लेगी, नाहक ही डरते हैं। वो तो भावनात्मक संबल और सुरक्षा के लिए यहाँ रह रही है, वरना अकेली औरत किस किस से जान छुटाएगी। अपनी जिंदगी के दर्द तो उसे खुद ही सहने हैं, पर यहाँ कम से कम अपनापन तो है। कट ही जाएगी जिंदगी की रात इन जुगनुओं की चमक से। इन जुगनुओं की चमक बहुत जल्दी मध्यम पड़ने लगी। पास रहते हुए भी भाई दूर बहुत दूर होते जा रहे थे। बड़ी भाभी ने कन्या खिलाई थी इन नवरात्रों में, पूरी बस्ती में प्रसाद बांटा, पर उसके यहाँ चम्मच भर हलवा भी नहीं भेजा। दिल दुखता था तो कोठियों में जहाँ वो काम करती थी वहां बड़बड़ा कर मन का गुबार निकाल देती। कोठी की मालकिने भी मन से सुनती, कभी कभी सलाह भी देती, अरे क्यों चिंता करती है, तुम लोग हो या हम लोग, जब घर वाला नहीं पूछता तो किसके भाई पूछते हैं, तू तो बस अपने बच्चों पर ध्यान दे। वो भी इस नसीहत को मान चाय सुड़कते हुए अपना दर्द सुड़क जाती। काम वाली भले ही थी, पर वो जानती थी कि औरत अमीर हो या गरीब, दोनों का दर्द एक ही होता है, डाल से टूटे पत्ते की तरह उसकी पीड़ा एक ही होती है। शुक्र है माँ का हाथ तो उसके सर पर है, वह हर मुसीबत से टकरा जाएगी। शांति जीजी समझाती, मेट्रो पकड़कर नोएडा चली जाओ, वहां तलाश करो, वहां महंगे काम मिलते हैं, बड़े बड़े घर हैं, ड्यूटी तगड़ी है, छुट्टी नहीं ले सकती, मेरी बहन करती है वहां काम, शुरू में एकाध घर बता देगी, वो मना कर देती। मन ही मन सोचती कि 50 का तो रोज का मेट्रो का किराया ही हो जाएगा, फिर यह दोपहर में अपने बच्चे भी देख आती है, कुछ लोग अपनी कामवाली हटाकर उसे लगाने को कहते तो भी वो मना कर देती, किसी के पेट पर क्या लात मारनी, फिर पुरानी लगी हुई कामवालियां जल्दी हटती भी तो नहीं। बचपन से देखा है कि मैडम लोग हटा भी दे तो कामवाली घर छोड़ने को तैयार नहीं,
अक्सर पार्क में पेड़ों के झुरमुट के पीछे बैठकर गाली गलौज के साथ तूने मेरा घर कैसे ले लिया कि घंटों तू तू मैं होती रहती। बचपन से ही उसे इससे बहुत कोफ्त होती थी। तभी सुखद संयोग से छोटी भाभी गर्भवती हो गई। चक्कर और उल्टियों की वजह से उसे अपने काम छोड़ने पड़े। उसने मीरा को 156 नंबर वाली भाभी का काम सौंपते हुए कहा, दीदी बच्चा होने के एक महीने बाद मेरा काम वापस कर देना। उसने हामी भर दी। वह बड़ी ही लगन से काम करने लगी। तभी कोठियों की मालकिन उसके काम से खुश थी। दिन बीतते बीतते उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। लाख कोशिश के बाद भी उसे नए काम मिले नहीं थे। इधर भाभी के 9 महीने पूरे होने वाले थे। उसने तय कर लिया था कि बच्चों को पूरा पढ़े या न पढ़े, भले ही पढ़ाई छूट जाए, पर भाभी जब काम मांगेगी तो उनके काम उसे सौंप देगी। आखिर काम के पीछे रिश्ते थोड़ी ना बिगाड़ने हैं, सुख दुख में यही लोग तो काम आते हैं। पर चिंता ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। मोहल्ले के कोने वाली भाभी ने आज बुलाया था। काम वालियों के बीच में उनका काम बहुत तगड़ा माना जाता था, ज्यादातर उनके काम से बचती थी। पर उसने तय कर लिया था कि जब तक कोई और काम नहीं मिल जाता उसी काम को पकड़ लेगी। सुबह हल्की हरारत थी, देर से उठी और देर से ही काम पर आई। कोने वाली भाभी से बात करने में और देर हो गई। तेजी से भागते हुए 156 नंबर की कोठी में पहुंची। भागते भागते सीढ़ियां चढ़ी, घंटी बजाने ही वाली थी कि देखा दरवाजा खुला है। एकदम से किसी के बात करने की आवाजें आ रही थी। उसने गौर किया कि ये तो माँ की आवाज है। माँ यहाँ क्या कर रही है? उसने बातों पर कान लगा दिए। माँ मालकिन से कह रही थी, छोटी बिटिया की भी शादी तय हो गई है, आप तो जानती ही है, दौड़ दौड़ कर कई घर कर लेती थी, उसी से हमारा घर चल रहा था। अब बड़ी मुश्किल आएगी, बेटा तो वैसे ही कुछ करता धरता नहीं है, बड़ा पहले से ही अलग अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है, हमें दो कौर को भी नहीं पूछता, हमारी भी उम्र हो गई है, कोई सफाई का काम देता ही नहीं, ये बहू ही है जो साथ निभा रही है, समझदार है, जानती है निकट्टू आदमी के साथ अकेले कैसे बच्चे पालेगी, बच्चा हो जाए तो फिर काम पर आएगी, आप मीरा से कह देना बहू ही काम करेगी, उसी का तो काम था। फिर थोड़ा रुक कर बोली, अब मीरा करेगी तो अपने बच्चे के लिए करेगी, बहू करेगी तो हमारा भी कुछ इंतजाम हो जाएगा बुढ़ापे में, सब सोचना पड़ता है। इससे आगे मीरा से सुना नहीं गया। आंखें डबडबा उठी, जल्दी ही बाहर खुली हवा में आ गई। वो तो खुद भाभी को काम देने वाली थी, माँ उसी से साफ साफ बात तो करके देखती, क्या स्वार्थी सब कुछ है। जी में आया माँ से आज उन पैसों का हिसाब मांगे जो उसने बचपन में कमा कर दिए थे, पर क्या फायदा, अब माँ पराई जो हो गई थी। माँ का स्वार्थ बहू से था, बेटी से नहीं। 2 दिन तक वो काम पर नहीं गई, भूखी प्यासी बुखार में तपती बिस्तर पर पड़ी रही। रिश्तों के मरने से भूख भी मर गई थी, पर बच्चों को भूखा कैसे मरने देती। हिम्मत करके उठी ही थी कि माँ का फोन आ गया। मीरा वर्तमान में लौटी, घंटी अब भी बज रही थी। उसने फोन उठाया, माँ की आवाज थी, बहू को फिर लड़की हुई है, क्या भाग्य है, दूसरी भी लड़की ही हो गई, दहेज जुटाना पड़ेगा। माँ की आवाज में परेशानी साफ साफ झलक रही थी। मीरा ने बीच में बात काटते हुए कहा, ये तो खुशी की बात है माँ, बस 8-9 साल खिला दो, फिर तो वो कमा कर खिलाएगी और दहेज का इंतजाम भी खुद ही तो कर लेगी, फिर दुख का है का। हाँ माँ, एक बात और कहनी थी, मैं अभी नहीं छठी पर आऊंगी, नेक में भाभी का 156 नंबर वाला काम उन्हें सौंप दूंगी, कहकर उसने फोन काट दिया। आज उसने दूसरा फैसला भी ले लिया। औरत अकेली नहीं होती, उसके साथ उसकी हिम्मत होती है। उसने तय कर लिया था, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। जिस अपनेपन की तलाश में वो यहाँ आई थी, जब वो ही नहीं तो यहाँ क्यों रुके। जब तक हाथ पैर चलेंगे कहीं भी काम कर खा लेगी। वह फोन पर शांति जीजी की नोएडा वाली बहन का नंबर खोजने लगी। आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की कहानी दूसरा फैसला। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।